64 विधि विधान एवं विद्वत संगोष्ठी का होगा आयोजन। यूपी के फिरोजाबाद में सोमवार को नसिया जी मंदिर कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि आजादी के अमृत महोत्सव एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वाधान में आचार्य कुंद सेवा समिति फिरोजाबाद द्वारा वीर शासन जयंती के पावन अवसर पर 14 जुलाई 2022 दिन गुरुवार से 17 जुलाई 2022 दिन रविवार तक 64 रिद्धि विधान एवं विद्वत संगोष्ठी का आयोजन श्री छदामी लाल दिगंबर जैन मंदिर फिरोजाबाद में होना जा रहा है। सर्वप्रथम 14 जुलाई दिन गुरुवार को श्री जी की एक भव्य रथ यात्रा प्रातः 7:30 बजे अटावाला जैन मंदिर से छदामी लाल जैन मंदिर तक निकाली जाएगी। इसके उपरांत 4 दिन लगातार तमाम धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वार्ता के दौरान अध्यक्ष संत कुमार जैन, उपाध्यक्ष अमित जैन, राजा महामंत्री संजीव जैन, गुड्डू कोषाध्यक्ष सुधीर जैन, SBI स्वागत अध्यक्ष डेविड जैन आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद से dailynewsonline.in के लिए कृष्ण गोपाल के साथ दीपक जैन की रिपोर्ट। जिसे जो प्रेस वार्ता रखी है, इसका क्या उद्देश्य है? आज की प्रेस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जैन धर्म अत्यंत अल्पसंख्यक समाज में आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समाज को प्रोत्साहन करने के लिए कुछ कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति प्रदान की। उनमें से एक अनुमति हमको जो मिली हुई है वो अनेकांश सिद्धांत प्रवर्तन की, जो हमें 6 महीने तक इसको पूरे प्रदेश के अंदर 18 तीर्थंकरों की जन्मभूमि जो उत्तर प्रदेश में है वहां ले जाके इन कार्यक्रमों को करना है। प्रथम चरण का कार्यक्रम हमने अयोध्या में, जहां हमारे प्रथम तीर्थंकर का ऋषभदेव का जन्म हुआ, तो वहां से प्रारंभ किया। और उसी चरण में हमारा सौभाग्य है कि यहां भी एक अक्षय क्षेत्र जैन मंदिर मौजूद है चंद्रवाड़ में, इसके लिए यहां पर 4 दिन का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि हम समाज के अंदर सहिष्णुता का, सहअस्तित्व का, सौहार्द का वातावरण करें, जिससे कि हमारे बीच में परस्पर विरोधी जो विचार आते हैं, जिनसे हिंसक और रागद्वेष बन जाता है और हिंसा जन्म लेती है, उसको समाप्त करने की हम परस्पर चेष्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस 4 दिनों के अंदर 64 रिद्धि का विधान इसलिए हो रहा है कि समाज के अंदर हमारे दिगंबर मुनियों की परंपरा में जो दिगंबर मुनि हमारे 64 रिद्धि रखते हैं, उनके गुणों का गायन इसमें किया जाता है। गायन से मतलब है हम उनको अपनाने की चेष्टा करते हैं, उसके माध्यम से, उस अनुष्ठान के माध्यम से हम अपने अंदर लाने की चेष्टा करते हैं। साथ ही साथ उसको और अधिक प्रबल बनाने के लिए हमारे भारतवर्ष के युवा तर्क विद्वान, इस समय जो विदेश से सीधे यहां पे आएंगे, डॉक्टर संजीव गोधा जी, उन्होंने अपना 4 दिन का अमूल्य समय हम लोगों को प्रदान किया है, जिसमें वो दोपहर को 2 बजे और सायंकाल 8 बजे अपना प्रवचन, एक संयम प्रकाश शास्त्र उनका चल रहा है, जो यूट्यूबर्स उसको देखते हैं उसी के ऊपर उनका प्रवचन यहां पर चलेगा, वो कंटिन्यूड रहेगा। साथ ही साथ हम सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षेत्र के ही नहीं वरन उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के 24 विद्वान यहां पर एक साथ जुटेंगे। ये फिरोजाबाद के लिए भी उपलब्धि होगी और हमारे संस्थान की भी उपलब्धि होगी, क्योंकि हमारे संस्थान में अभी तक 16 विद्वान मैक्सिमम जोड़ पाए हम, ये पहली बार होगा जब 24 विद्वान यहां पर जुड़ेंगे, ये भाग्य की बात है। ये कार्यक्रम इसलिए भी आयोजित किया गया है कि आने वाली पीढ़ी हमारी बालकों की पीढ़ी है, बालक संस्कार से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, उनको और संस्कारित करने की चेष्टा की जा रही है। वो मंदिर तो जाते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन जैन धर्म का जो मूल रूप है उसका मूल रूप का प्रभाव उनके ऊपर पड़ना शुरू होगा, तो वो निश्चित रूप से जो काम आज हम कर रहे हैं वो कल करेंगे। इसी भावना के साथ यहां पर ये 4 दिवसीय कार्यक्रम का 14, 15, 16 और 17 जुलाई 2022 को किया गया। और अंत में आपको ये बताना चाहेंगे, शासन और प्रशासन ने अपने दायित्व का इतना बड़ा निर्वहन, 14 तारीख को सबसे प्रथम हमारे यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाएगी सुबह 7 बजे अट्टा वाले मंदिर से, और वहां से जो रथ यात्रा निकलेगी वो रथ यात्रा दिगंबर जैन मंदिर छदामी लाल जी वाले मंदिर पर पहुंचेगी, और वहां पर पहुंचने के पश्चात श्री जी वहां पर विराजमान होंगे।
और 14 तारीख का प्रोग्राम सबसे विशेष जो आकर्षण का है, जिसे हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे फिरोजाबाद को और यथातथ सर्वत्र सभी को बताना चाह रहे हैं, वो है दोपहर का एक प्रोग्राम जिसमें एक इंद्र सभा का आयोजन किया गया है और भगवान के समवशन की रचना की गई है। भगवान महावीर स्वामी जिनके लिए ये शासन नायक जयंती जिस पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज के दिन भगवान का शासन लगा था जिसकी दिव्य ध्वनि आज से 66 दिन के बाद शुरू हुई थी। भगवान महावीर का हमारे यहाँ पर अनेकांश शादवाद विषय को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें अनुरोध करेंगे सारी समाज से कि वे पधारें और चर्चा का लाभ लें। पुनः सुबह आदरणीय श्री संजीव जी गोदाम, जो जिनका हमें अपूर्व लाभ पूरे चारों दिन दो टाइम मिलेगा ही मिलेगा, फिरोजाबाद जैन समाज के अलावा यत्र तत्र सर्वत्र जितनी भी आसपास शहरों की कस्बों की जैन समाज है, वे लोग भी उनके नाम से जागरूक हैं और जरूर आएंगे, और आपके माध्यम से जब सूचना पहुंचेगी तो हर हाल में आएंगे ही आएंगे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। पूरा चौका लेकर चलेंगे।